तो इसे फोड़ के देखते हैं दोस्तों। ओ, मुझे 5-6 एक साथ ही मिल गए दोस्तों। What is up everybody, this is Prasad and you are watching Top 1। So guys, बहुत ही interesting video मैं लेके आप सभी के लिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है latest जो इवेंट शुरू है अभी यहाँ पे बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको मिल रहा है बंडल। और उस बंडल लेने के लिए आप सभी को चाहिए मतलब कि स्विम ए जो रिंग रहता है वो और स्विम रिंग बी। तो ये सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, इन सब की लोकेशन जो कैसल की लोकेशन है उन जिनमें वो मिलते हैं उन सब की लोकेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और मोस्टली हम सब ने मतलब मेरे टीममेट ने और मैंने मिलके बहुत सारे जगह लोकेशन वहाँ पे मैप में ढूंढ के निकाले, जहाँ पे मोस्टली हम सभी को देखने को मिलते हैं फ्री फायर में जो है स्विम रिंग मतलब कि जो कैसल रहते हैं। फोड़ने के बाद आपको मिल जाएंगे रिंग्स उसमें, और उसमें आपको बहुत सारे चार तीन या फिर एक ऐसे भी रिंग मिल सकते हैं एक साथ। तो ये थे और इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों उसी के साथ अभी बात करते हैं कि ये हमें कहाँ पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए, और बाजू में जो बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियोस आप मिस ना कर पाए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो शायद से प्लांटेशन है वहाँ पे। सबसे पहले हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब कि एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है दोस्तों में, लेकिन आपको ज़्यादातर करके यहीं पे ये कैसल है वो मिल जाएंगे। तो इसे फोड़ने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे दो रिंग मुझे मिल चुके हैं, हमने ले चुके हैं दोनों भी रिंग। तो अभी फिर से आपको मैं हर एक लोकेशन दिखा दूँगा कि कौन से थोड़ा स्पॉट कर लेना कौन से अच्छे से और देख लेना, वैसी वहीं पे जाके एक बार पहले चेक कर लेना उसी जगह पे। और सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोकेशन पे ज़्यादा करके मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप वहाँ पे सामने भी एक सैंड कैसल देख सकते हो, वहाँ पे भी एक कैसल है अभी इसके सामने मतलब कि एक और एक कैसल मिल चुका है। तो देख सकते हैं ये जो रिवर साइड है, रिवर साइड और प्लांटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये कैसल देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे जल्दी से चेकआउट कर लेना, जैसे आप लैंड करते हो वैसे ही वहाँ पे ही सबसे पहले उतरो ताकि आप सभी को पहले वो कैसल मिल जाए और कोई और नहीं ले पाए इसीलिए। तो बहुत ही ये मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा करके कैसल मिल जाते हैं रिवर साइड पे भी। तो जैसे ये रिवर साइड से ये जो रोड है इससे आगे जाते हैं तो सामने आपको एक दिख सकता है, एक लेफ्ट में था और एक सामने। तो ये वाला पहले हम देखते हैं इसमें क्या रिंग कितने मिल जाते हैं। तो लोकेशन देख लेना दोस्तों मैप में कहाँ पे है अभी हम, रिवर साइड के मतलब कि जो रोड था उसके आसपास ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी टोटल मतलब रिंग कितने हो चुके हैं। तो अभी फिर से आपको एक और एक दिखा देता हूँ कहाँ पे है रिंग, और एक जो है सैंड कैसल जो है सामने देख सकते हो आप लोग। अभी जाते हैं हम लोग और आपको जो है लोकेशन दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे मिल के आसपास भी दोस्तों। मिल पे भी बहुत ज़्यादा आपको जो है मतलब सैंड कैसल देखने को मिल जाएंगे मिल पे। मिल रिवर साइड प्लांटेशन ये बहुत ही पॉपुलेटेड एरियाज है दोस्तों इस सैंड कैसल के लिए। तो वहाँ पर जाके मतलब कि लूट कर लेना इसे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सैंड कैसल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मेरा टीममेट जो है अभी सैंड कैसल में लूट करने के लिए चला गया है। तो अभी तो वहाँ पे लोकेशन देख सकते हो आप लोग मिल पे अभी हमें फ़िलहाल। तो अभी आगे देखते कि आगे जाके और एक आपको बहुत सारे लोकेशन है, हर एक लोकेशन पे दिखा दूंगा मैं आपको कि कहाँ कहाँ आपको ज़्यादातर करके ये जो है कैसल देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अभी हम फिर से एक बार जाते हैं रिवर साइड में, तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये सेकंड गेम प्ले हमारा रिवर साइड पे। मतलब कि आपको बता दूँ बहुत बार ज़्यादातर करके रिवर साइड में मिलता है अभी ये सेकंड गेम प्ले, और इससे पहले भी बहुत सारे हमने रिवर साइड पे कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे रिवर साइड में देख सकते हो और एक हमें मिल चुका है। तो ज़्यादातर करके रिवर साइड में मिल जाएगा क्योंकि ये तो बीच इवेंट है तो ऐसे जगहों पर ज़्यादातर मिलते हैं। और दोस्तों रिंग जो है मतलब कि स्विम रिंग वो ज़्यादातर के ऐसे प्लेसेस पे ज़्यादा लोकेशन पे मिलते हैं। तो और लोकेशन में आपको ज़्यादा लोकेशन जितने हो सके उतने ज़्यादा लोकेशन आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों भीमा शक्ति के यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये जो लोकेशन देख रहे हो उस पर ज़्यादा देखना कि कहीं पर है या नहीं, मतलब कि ये जो घर है इसके सराउंडिंग में आपको एक जो कैसल मिल सकता है जिसमें आपको रिंग मिल सकती है उसमें। तो बहुत ही ये लोकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर करके यहीं पे
आपको रिंग देखने को मिल सकते हैं। तो मैं वही लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट लोकेशन पे मैं दिखा दूँ आपको, तो नेक्स्ट लोकेशन तो यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ। ये जो लोकेशन है इस पर आप देख सकते हो मुझे दिख गया था, लेकिन हैंगर में देख सकते हो, हैंगर जो लोकेशन है हैंगर के आसपास भी यहीं पे दिखा था सेफ जोन के बाहर, लेकिन हमने सोचा कि ले ही लेते हैं अभी जल्दी से। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा डैमेज भी नहीं मिल रहा था, हैंगर के पास आपको देखने को मिल सकता है ये लोकेशन पे। तो लोकेशन अच्छे से देख लेना और वहीं पे जाना जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर करके आपको मैक्सिमम परसेंट आपको वो वहाँ पे देखने को मिलने वाला है कैसल। नेक्स्ट लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ वो है कुछ तो विलेज दोस्तों, ये आप देख लेना, ये आपको मालूम होगा, इसका नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये विलेज है यहाँ पे बहुत बड़ा बीच है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 101% आपको यहाँ पे जो है रिवर साइड, मतलब कि रिवर साइड से भी ज़्यादा आपको वहाँ यहीं पर मतलब कि ज़्यादा सैंड कैसल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, और उसी के साथ दोस्तों ये जो विलेज है यहाँ पे आपको ज़्यादा सैंड कैसल देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ मैं आपको बता दूँ और कहाँ कहाँ आपको जो है देखने को मिल सकता है ज़्यादा करके कैसल। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ये जो विलेज है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड नंबर में आपको बता दूँ, ये कोई मैं रैंक वाइज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि कौन से लोकेशन पे ज़्यादा आपको रिंग देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि कैसल। तो सबसे पहले ये विलेज में आपको अभी जो दिखाया मैंने, और सेकंड नंबर पे रिवर साइड है, रिवर साइड पे भी तो काफ़ी मिल जाता है यार दोस्तों, बहुत ही जगह पे। तो ज़्यादा जल्दी जाने की कोशिश करना वहाँ पे रिवर साइड पे। और थर्ड नंबर की बात करते हैं तो वो होने वाला है कि भीमा शक्ति पे भी काफ़ी मिल जाते हैं। और उसके साथ फोर्थ नंबर पे मिल, ये मिल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों, मिल पे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमने क्लेम किए, कलेक्ट किए जो कैसल में जो रहते हैं रिंग, वो स्विम रिंग्स वो कलेक्ट किए बहुत ज़्यादा हमने, सब मेरे टीममेट्स ने भी। और दोस्तों ये कोई भी ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सारे मेरे टीममेट्स हैं उन सब के मैंने ओपिनियन लिए यहाँ पे, और वो सबको मिला के मैंने एवरेज जो लोकेशन है जहाँ पे आपको ज़्यादा करके ये सैंड कसल देखने को मिल सकते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे एक मतलब कि कंपिलेशन करके आपको दे दिए कि कौन से लोकेशन पे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते ये स्विम रिंग्स मतलब कि सैंड कैसल। तो वो सारे चीज़ें याद रखना, वो सारे लोकेशन जो मैंने ये वीडियो में बताए वो सब याद रखना कि हर एक चीज़ें। और आपको आगे दिखा देता हूँ मैं कि मार्स इलेक्ट्रिक दोस्तों ऐसा जगह है वहाँ पे लूट तो काफ़ी मिलते हैं, वैसे ही लूट के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ये सैंड कैसल भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आते हो आप तो ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ये जो लूट है मतलब कि कैसल है। तो देख सकते हो दोस्तों मुझे तो एक मिल चुका है रिंग, तो आपको भी ऐसे मिल सकता है। तो मतलब मार्स इलेक्ट्रिक पे मतलब कि जाना बिल्कुल मत भूलना। और उसी के साथ अभी आगे आपको दिखा दूँ कौन सी लोकेशन है। तो दोस्तों मार्स इलेक्ट्रिक पे अब हद से ज़्यादा आपको कैसल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे राइट में देख सकते हो, राइट में जल्दी से देख लो, और लेफ्ट में भी है जल्दी से देख लो। यहाँ पे पहले वो क्लेम कर लेते हैं, राइट का शायद से हमने देखा नहीं था जब भी हम गए थे, लेकिन ये देख सकते हो कि अभी रिंग मिल चुकी है। और ये साइड मतलब कि और एक राइट साइड में देख सकते हो, और एक था बैक करके देख लेना अगर आपको नहीं दिखा है तो, वो वहाँ पे भी देख सकते हो। तो वहाँ पे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो सैंड कैसल तो दोस्तों ये हमने लिया है देखो, तो ये अभी इसे फोड़ के देखते हैं। सैंड कैसल जो है मार्स इलेक्ट्रिक पे बहुत ज़्यादा मिलता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मुझे 4 या 5 रिंग्स एक ही इसमें मिल चुकी है। इसीलिए मैंने बोला दोस्तों कि हद से ज़्यादा मार्स इलेक्ट्रिक और फैक्ट्री के बीच में जो एरिया है उसमें भी मिल सकता है। और मार्स इलेक्ट्रिक पे तो 101% वो भी बहुत ही अच्छा इलाका है, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा जो ये रिंग मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब कि खुद ने आपको मैं दिखा दिया कि कितने ज़्यादा मिल सकते हैं मार्स इलेक्ट्रिक में भी। तो अभी मार्स इलेक्ट मैं बता दूँ कि आपको सबसे पहले कि कौन से लोकेशन में जाना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिंग मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो रैंकिंग होने वाली है ये मैं अभी ऐसे ही नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन किसके ऊपर रैंक होने वाला है, जहाँ पे ज़्यादा सैंड कैसल देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको उसके रैंक वाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो नंबर 1 पे आता है हमारा जो है मतलब रिवर साइड के सेकेंड नंबर, उसके बाद आता है वो विलेज जो आपको मैंने बताया। तो विलेज सेकेंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है ये मार्स इलेक्ट्रिक, फोर्थ नंबर पे आता है मिल, और फिफ्थ नंबर पे मैं रखूँगा भीमा शक्ति को।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना, उसी के साथ नया तो सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब करके रखा तो बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन, बाय बाय।